छतरपुर प्रशासन ने 9 दुकानों और महावीर धर्मशाला पर बुलडोजर चलवाया। जैन समाज को धर्मशाला बनाने के लिए जमीन दी गई थी, जहां 9 दुकानें बन गई। धर्मशाला और दुकानें टूटने के बाद अब इस जगह पर जिला अस्पताल में बन रही चाइल्ड यूनिट का काम शुरू किया जाएगा। छतरपुर के जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से बनी हुई 9 दुकानों को और महावीर धर्मशाला को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। ये जमीन किशोर सागर तालाब के पास है और 1975 में इसको जैन समाज को महावीर धर्मशाला बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन वहां महावीर धर्मशाला के अलावा दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दे दिया गया था। लीज पेपर के नियम के उल्लंघन के बाद इस जगह पर सारे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर जिला अस्पताल के चाइल्ड यूनिट का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये जिला अस्पताल जो है इसमें मातृत्व एवं बच्चों के सुरक्षा के लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल बनना है और उसका फ्रंट जो है वो ओपन रहे, क्योंकि महिला की समस्याएं पुरुष जो मरीज होते हैं उनसे अलग होती हैं, बच्चों की भी समस्याएं उनसे पृथक होती हैं। इसीलिए यहाँ एक पृथक इकाई का निर्माण आगे किया जाना है, जिसका टेंडर भी हो चुका है, शीघ्र ही इसका काम स्टार्ट होगा। तो इसके लिए ओपन फ्रंट और इंडो यहाँ से जाने आने के लिए रास्ते बनाना थे। ये प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का काम चल रहा है, जिसमें 100 बेडेड हॉस्पिटल और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाना है। तो आज प्रशासन इसमें जो दुकानें और धर्मशाला थी जैन समाज को जिस कंडीशन में दी गई होगी वो सब आज लीज की शर्तें कि उल्लंघन इन सब में हटाई जा रही है। तो कानून व्यवस्था के रूप में पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्ण सभी चीजें हम संपन्न करा दें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।